नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट छोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भैया, आज कुवैत के कुछ अपडेट। मेरे पास इतने ज़्यादा वीडियो आए, हालांकि वीडियो वही थे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किए, बाकी सब कंट्रियों से लगभग वीडियो आ रहे हैं भाई। तो स्थिति ख़राब है, और मैं बता दूँ कि मज़दूर मज़दूर होते हैं भाई। विदेश में बैठने वाले कौन से वहाँ पर बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। इंडिया में वो मज़दूर ठीक है 10,000 कमा रहे, तो वहाँ 20-25,000 कमा रहे हैं। फ़र्क तो वही है, जो इतनी दूर से जाते हैं लाखों रुपये खर्च करके आते हैं। सिस्टम तो बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ का कमाएं या वहाँ कमाएं, मज़दूर तो मज़दूर ही रहेगा। इतने ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं साथियों की स्थिति इतनी ख़राब है, बहुत लोग मर चुके हैं। मेरे हिसाब से 100 लोगों के करीब मुझे लग रहा है कि मौत हो चुकी है। 42 लोगों का तो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है। जी हाँ साथियों, उन्होंने बताया था ना कि हमारे पास लगभग 52-53,000 लोग इंडिया पहुँच चुके हैं विदेशों से, उसमें से 44 डेड बॉडी थी जो विदेशों में लोग एक्सपायर हो गए। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक ओमान की न्यूज़ आई थी कि उसमें कुछ बीमारी थी, बीमार था, कंपनी ने इलाज नहीं करवाया, मौत हो गई। ये बंदे ने मुझे, उसके साथ वाले ने बाकायदा फ़ोटो भेजी है। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं भाई, दूसरी बात ये कि वीडियो पूरा देख लीजिए, अगर नहीं देखते हो तो आप छोड़ के जा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए बात को? फ़र्क उनको पड़ता है जो विदेश में बैठे हैं बेचारे, जो उस मुसीबत में है। लेकिन फिर भी आप लोगों से भी बोलता हूँ, आप पूरी बातें नहीं सुनते, क्योंकि आपके पास 5 मिनट 7 मिनट नहीं होते। आप फिल्में पूरी 3-3 घंटे देख लेते हो, और कुछ काम सब कर लेते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नोटिस अपने लिए इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ना, वो लोग नहीं सुनते। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हर वीडियो में एक ड्यूरेशन आता है कि इस वीडियो को कितने टाइम देखा गया। मुझे ये लगता है कि जो नॉलेजेबल वीडियो होता है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है 5 मिनट का वीडियो होता है, मुश्किल सी 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट से ऊपर तो कोई चढ़ता ही नहीं है। 10% लोग हैं उसको पूरा वाच करते हैं, और फिर बोलते हैं सर टिकट। अब टिकट की बात करूं, ओमान का वीडियो मैंने आज डाला है, ओमान के इतने सारे मैसेज आ रहे हैं सर ओमान की फ्लाइट बताओ, जबकि वीडियो डाल रखा है, आज ही डाला है मैंने, लेकिन कौन ध्यान देता है, किसको क्या जरूरत है? सीधा नंबर पड़ा है, फोन कर लेंगे, अगला रिप्लाई देगा तो ठीक है, वरना वो जाने उसका काम जाने, ये स्थिति है। तो मैं बता दूं भाई आपको, मैं ऑप्शन दूंगा, आप विदेश में फंसे हो, स्थिति विदेश की ख़राब है, मुझे पता है इस बात का। जो लोग एसी में बैठे हैं ना राजनेता, आप राजनेताओं के पीछे दूं मिलाते फिरते हो, ये कांग्रेस का है, हम कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के, हम आदमी पार्टी के हैं, हम आरएलपी के, हम फलाना ढिमका, घंटा नहीं समझते आपको वो। आज क्या हो रहा है आप लोगों का विदेश में जो बैठे हो, उनसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, आपकी क्या स्थिति है? कुवैत का आज वीडियो आया, देखो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा क्या स्थिति हो रही है। आप लोगों की मरने के कगार पे आ रहे हो आप, आपके पास नहीं रहने को है, नहीं खाने को है, नहीं टिकट है, नहीं पासपोर्ट भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास वीज़ा भी नहीं है। आए तो कैसे आए, मुझे तो ये बता दीजिए। सेम कंडीशन आपकी वो हो रही है जो आज से 1 महीने पहले इंडिया में मजदूरों की हो रही थी रोड के ऊपर। बहुत लोग मरे भी थे, भूखे प्यासे नंगे रोड पे चल रहे थे लोग। वो स्थिति विदेशी मजदूरों की हो रही है आज के दिन में, मैं बोल रहा हूँ ये बात। और ये इसलिए बोलता हूँ कि मेरे पास भाई वीडियो आते हैं, दिल दर्द होता है उसमें। शायद ऐसा नाम था उसका, सऊदी से, उसने मुझे रात को 2:30 बजे, मैं उसको रिप्लाई दे रहा था, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, रात को 2:30 बजे मैं उसको मतलब जो कोशिश कर रहा था कि मैं उनको आंसर दूं ताकि वो थोड़ा सा सेट हो। कहने का मतलब ये स्थिति है भाई लोगों की। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा, और आपको एक काम करना है भाई, कुछ नहीं करना, संगठन में शक्ति होती है, इस बात का नोट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं दूंगा, यहाँ पे कोई एजेंटी की बातें नहीं करता, मेरा लेवल अलग है तो मैं अलग ही लेवल की बातें करता हूँ हमेशा। मैं बता दूँ राजस्थान में सियाई हत्याकांड, विष्णुदत्त हत्याकांड, राजस्थान वालों को तो पता है, दूसरों स्टेट वालों को तो नहीं पता। ये वीडियो हालांकि पूरे इंडिया के लोगों के ऊपर लागू है, मैं पर्टिकुलर राजस्थान वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सियाई हत्याकांड हुआ राजस्थान में, आज से 15-20 दिन हो गए सियाई उसका, मतलब लोगों ने ये चाहा कि इसकी CBI जाँच हो, सरकार ने CBI जाँच करवाने से मना कर दिया। लोगों ने 10 दिन में सरकार की खाट खड़ी कर दी, इतना ज़्यादा मैं बताऊँ, वोटिंग सोशल मीडिया पर, आपको पता है लॉकडाउन था, कहीं बाहर नहीं निकले ना, सोशल मीडिया पे सरकार की वाट लगा दी, गूगल और सरकार को आदेश देना पड़ा CBI के लिए, उन्होंने राजी हो, राजस्थान वालों को पता है इस बात का, एग्री हो गई राजस्थान गहलोत सरकार। यहाँ मैं कोई पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी हकीकत को, आपकी आंखें खोल रहा हूँ, आपकी दुर्दशा आपको बता रहा हूँ। पर देना पड़ा आपको, कुछ नहीं करना, मैं बता दूं आपको आपका समाधान भाई, मैं बता दूं। अभी फ़्लाइट की बात करें, कल मैंने बताया 356 फ्लाइट हैं, आज का जो शेड्यूल आ रहा था पूरी साहब का, मैंने ट्वीट देखा, उसमें 220 के करीब फ़्लाइट हैं टोटल 10 जून से लेके 1 जुलाई तक, बता दूं इस पूरे महीने में, और 320-30 फ्लाइट पूरे 50 कंट्रियों के लिए। आप देख लीजिए आपकी कंट्री के लिए कितने फ्लाइटें होंगी, और आपका कब तक नंबर आ जाएगा, आप थोड़ा अंदाज लगा लीजिए। मैं बोल रहा हूँ नंबर ही नहीं आएगा आपका, इस तरह से तो आप भूख मर जाओगे वहाँ पे।
इंडिया में चलो अलग बात होती है, बिहार का राजस्थान में रहता है उसको प्रॉब्लम होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, पड़ोसी मतलब मैटर उठा लेते हैं तो उसका समाधान हो जाता है। यार इंडियन वर्कर बाहर बैठा विदेश में, उसको पड़ोसी आदमी हेल्प नहीं कर सकता, कौन हेल्प करेगा भाई? आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात गौर से सुन लीजिए। आप शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? आपके सरपंच, आपके विधायक साहब, आपके सांसद साहब क्या हैं वो? क्या करने के लिए हमने उनको वोट दिए हैं? गौर सुन लें मेरी बात को, क्या करने के लिए दिए हैं? उनको वहाँ बिठाने के लिए नहीं, उनका काम शॉर्टली तरीके से बता दूँ कि हम उनको चुन के भेजते हैं सरकार में, ठीक है, ताकि हमारी बात कल को हो तो हम सरकार तक पहुँचा सके। और सरकार अगर कुछ देती है योजनाओं के माध्यम से तो वो एक माध्यम होता है वो हमारे पास पहुंचा सके कि भाई सरकार ने ये योजना दी, हम आपको आपके गांव के लिए टंकी है, आपके लिए हॉस्पिटल है, आपके लिए सड़क है, होता है ना ऐसा? कुछ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी इंडिया के लोग विदेश में बैठे उनके लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको कुछ नहीं करना। आपका लोकल विधायक, आप जिस तहसील के हो आपके लोकल विधायक को आप जानते हो, और मैं बता दूं गारंटी के साथ, उनके नंबर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर, और हर आदमी अपना अलग अलग वीडियो बना के उनको शेयर कीजिए, और उस वीडियो में करना क्या है, उनका खुद का नाम लेना है विधायक साहब का, ठीक है, अपना नाम लेना है और अपने गांव का नाम भी उनको बताना है ताकि उनको पता लगे कि ये हमारे पड़ोस के गांव का है और फलानी कंट्री में कुए दुबई कतर में फंसा हुआ है। आप एक मिनट से ज़्यादा वीडियो मत डालना भाई, आप कहीं 10 मिनट का डाल दो तो अगला बोर हो जाता है, कोई नहीं देखता, रिजेक्ट डिलीट कर देते हैं। 1 मिनट के वीडियो में पूरी स्टोरी आप सुनाइए, आप उनके सरपंच को डाल सकते हैं, जिम्मेदारी होती है सरपंच साहब की, मैं बता दूँ आपको, आपको कानून का नहीं पता तो विधायक साहब को आप व्हाट्सअप करिए, और सांसद आपका जो जिले का सांसद होता है शेयर करिए। मैं बता दूं एक तहसील है हमारे, मान लीजिए मेरे तहसील में कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग रहते हैं, अगर उनमें से 5,000 लोगों ने भी व्हाट्सअप कर दिए विधायक साहब को तो विधायक साहब कहाँ जाएंगे पता है आपको? गहलोत के पास जाके बैठना पड़ेगा उनको, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको। दबाव एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को रात को नींद नहीं आती। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रेशर दे दो बस उनको, फिर भी सुनाई नहीं करें, अपने घर वालों को भेज दो उनके पास कि हमारे बच्चे वहाँ पे मर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हो, आपका काम क्या है? हमारी हेल्प करना, सरकार तक उनका काम, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार तक लिखित में अपना, हर एक सरपंच को, विधायक को, MLA को एक होता है उनका अथॉरिटी लेटर होता है, उस पर पूरा बायोडाटा लिखा होता है। हमारे विधायक साहब हैं आखम अली खान, उन्होंने आज से 2 महीने पहले इस बात का मैटर उठाया था कांग्रेस सरकार को, जो गहलोत जी उनको दिया था, लेकिन क्या होता है भाई एक बार देने से, विष्णुदत्त CI हत्याकांड था ना, उसमें मैं बताऊं हज़ारों लेटर, एक विधायक हमारे सीनियर वकील हैं गोवर्धन सिंह जी जयपुर, सर्च कर लेना फेसबुक पे, गोवर्धन लीगल माइंड गोवर्धन सिंह, इतना सब कुछ बायोडाटा आ जाएगा। उन्होंने एक अभियान चलाया था, प्रत्येक मैं बता दूं आपको, कांग्रेस लगभग विधायक से, सांसद से, मंत्री से उन्होंने लेटर लिखवाने पे मजबूर कर दिया, सब नेताओं ने लेटर लिखे और विधायक गहलोत साहब ने CBI जांच की आदेश दे दिया कि भाई ठीक है हम एग्री करते हैं, CBI जांच इसकी होनी चाहिए। तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? आपने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? ये आपका लोकल प्रभाव से ये राज्य सरकार तक मैटर पहुंचेगा, राज्य सरकार फिर कहाँ पहुंचाएगा? केंद्र सरकार सिस्टम से चलेगा। आप एयरपोर्ट पे गहलोत मुर्दाबाद या मोदी मुर्दाबाद, कुछ नहीं होने वाला, आपकी तसल्ली के लिए आप दे सकते हो, बाकी होने वाला कुछ नहीं है। शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, जीरो से करिए। आपका सरपंच, आपका विधायक, आपका सांसद, गारंटी 1-1 मिनट का वीडियो बना के उनके पास भेज दीजिए, और सब अलग अलग भेजिए, ये नहीं कि आप 10 बैठे हो एक तहसील के तो एक ही भेजोगे, नहीं अलग अलग भेजो, 100% सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ता है। उनका खुद का वीडियो में नाम लेना है, ठीक है, आपका एड्रेस उनको बताना, उनको पता लगे भाई ये फलाने गांव का है, फिर कंट्री बतानी है कि हम यहाँ ऐसे ऐसे फंसे, हमारे पास खाने को नहीं है, टिकट में नंबर नहीं आ रहा है, सरकार को बोलिए हमें यहाँ से निकालें। जब सरकार, एक बात मेरी गौर के सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा, हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा कि आपने कितने मजदूरों को घर पहुंचाया, आपने क्या क्या किया। आपको लोगों को पता होगा, मैं स्क्रीनशॉट अगर मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। हाई कोर्ट ने बाकायदा हर राज्य सरकारों से पूछा कि बताइए, हिसाब दीजिए, मजदूरों को आपने घर पहुंचाया, ट्रेनों में आपने क्या किराया लिया उनसे, खाने पीने की सुविधाएं आपको देनी होगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो मजदूर चाहे इंडिया के हो चाहे विदेश के हो, विदेश में बैठे हो वो मजदूर तो मजदूर ही है भाई, विदेश में बैठे वाले करोड़पति नहीं हो गए, यहाँ वाले 10,000 कमा रहे हैं तो वहाँ वाले 20-25,000 कमा रहे हैं, फर्क इतना ही है। बाकी वहाँ गवर्नमेंट ये समझती है कि विदेश वाले तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन उनको हकीकत का नहीं पता कि विदेश वाले को तो दुर्गति इंडिया वालों से ज़्यादा हो रही है। इन बातों का मुझे पता है, मैं इन बातों को समझ सकता हूँ, हर आदमी नहीं समझ सकता,
तो आपको बस यही काम करना है, कुछ नहीं करना, एक मिनट का वीडियो अपने सरपंच साहब, अपने विधायक साहब, अपने सांसद साहब को भेजिए और उनसे आप लिखित में उनको बोलिए कि आप अपने लेटर पैड पे लिखिए, गहलोत साहब को दें और वो लेटर पैड सार्वजनिक करें। सार्वजनिक करना होता ना अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि भाई कई विधायक हमारे अखमली साहब जो विधायक है उन्होंने जो लेटर लिखा अपने फेसबुक आईडी पे डाला, मेरे पास स्क्रीनशॉट है मैं डाल दूंगा, ऐसा लेटर लिखवा के आप डलवाओ, गारंटी के साथ इस महीने में आपका समाधान हो जाएगा। नहीं तो भाई आपकी स्थिति खराब होने वाली है, मैं बता रहा हूँ, जैसे कोरोना बढ़ रहा है ना वैसे आप वैसे स्थिति वो होने वाली है आपकी, क्योंकि 325 फ्लाइट हैं पूरी इस महीने में, अब 50 कंट्रियों से 320 फ्लाइट में आपका कितना नंबर आने वाला है आप देख लीजिए। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ये वीडियो उस प्रत्येक इंसान तक पहुंचना चाहिए ताकि उसको पता चले कि ऐसे ऐसे हमें करना है। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो भाई लंबा हो गया, 10-11 मिनट का पहुंच गया, फिर लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। जय हिंद।